बिग बॉस वालों को जब से पता चला है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अपने शो में बुलाने से टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि सड़कों पर भीड़ उतर आती है बिग बॉस के किसी भी प्रतियोगी के जीतने के बाद। ऐसा कभी होता नहीं था, चाहे एलविश यादव की बात कर लीजिए या मुनव्वर फारूकी की कर लीजिए, सड़कों पर तमाम इनके चाहने वाले जो फैंस हैं इन्होंने भीड़ मचाकर रखी हुई थी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे बेरोजगार हैं, चाहे एलविश यादव को फॉलो करने वाले हो या मुनव्वर फारूकी को, क्योंकि इनके पीछे इस तरह की भीड़ जमा करना मतलब आपके पास कोई काम धंधा है ही नहीं। लेकिन इसकी बात दूसरे वीडियो में करेंगे, यहां पर बात करेंगे। एक और यूट्यूबर आए थे अरुण माशेट्टी, जिनका ये कहना है कि मुनव्वर फारूकी जो है वो कुत्ते की दुम है, इसका रियलिटी चेक करना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लाइफ के बारे में इसने वहां पर जो गेम खेला है, आगे भी ये ऐसा काम करेगा जैसा इसने बिग बॉस में खुद को दिखाया है, ऐसा करेगा तो ठीक है, नहीं तो कुत्ते की दुम जो है वो टेढ़ी ही रहती है। एग्जैक्टली क्या कहा है वही पढ़ के सुना देता हूं, वरना आप कहेंगे कि तू भी नफरत करता है। देखो, मुनव्वर फारूकी के ट्रॉफी जीतने पर अरुण कहते हैं कि सच्चाई यह है कि मुनव्वर की जीत उसके फैंस की वजह से हुई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इस शो में उसे एक रियलिटी चेक जरूर मिला है, जो कि बहुत जरूरी था, इससे पहले उसके पैर जमीन पर नहीं थे। अगर वो फिर से वही गलती करता है तो समझ जाना कुत्ते का दुम टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि वो इस पूरे किस्से से कुछ सीखे। अब देखिए, अरुण माशेट्टी जो थे ये टॉप 5 में आए हुए थे, लेकिन जो बाकी पार्टिसिपेंट थे वो इनको पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन इनकी जो बॉन्डिंग है ये दूसरे यूट्यूबर जो हैं उनके साथ काफी अच्छी बनी हुई थी। दूसरे यूट्यूबर कौन, तहलका। तहलका के साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी बनी हुई थी, और इनका ये कहना है कि दोनों एक ही फील्ड से आते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो अब दोनों मिलकर पॉडकास्ट वगैरह लॉन्च करना चाहते हैं, जहां पर सेलिब्रिटीज को बुलाएंगे और उनसे बातें करेंगे। वैसे आपका क्या कहना है, जो मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर